नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं सांबार और मैं आपको बताने वाली हूँ इसका सबसे आसान तरीका। यहाँ पे हमने 2 कप अरहर की दाल भिगो लिया है, 1 घंटे तक भिगो लेना चाहिए अरहर की दाल या तूर दाल। और इसको अब हम सीटी मारेंगे कुकर में। इसमें हम डालेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक, ये डाल के हम इसको सीटी लगा लेंगे। ये देखिए दोस्तों, ऐसे हमने कुकर में सब कुछ डाल लिया है और अब हम इसे सीटी लगाएंगे। ये देखिए, ये हमारा दाल पक चुका है और मैंने इसको कुकर से निकाल लिया है, ये पूरा पक चुका है। अब हम आपको दिखाएंगे कि पूरा सांभर बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए होगी। पहले हमने लिया है थोड़ा सा राई या मस्टर्ड सीड्स जिसको बोलते हैं, ये 1 चम्मच मस्टर्ड सीड्स है। उसके बाद है करी पत्ता, हींग, ड्राई रेड चिलीज या सूखी लाल मिर्च और एक हरी मिर्च। और हमने ले लिया 1 टमाटर और 1 प्याज जिसको हमने डाइसेस में काट लिया है। और हमने लगेगा 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी इमली, सांबार पाउडर, हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर। इन सबको मिला के हम बनाएंगे हमारा सांबार। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा सांबार बनाना। यहाँ पे हमने एक पैन गरम करने के लिए रख दिया और वहाँ पे एकदम थोड़ा सा तेल लिया है। यहाँ पे हमने यूज किया है एमवे का किचन क्वीन, क्योंकि यहाँ पे एकदम कम तेल में खाना बन जाता है। आप देख सकते हैं कितना कम तेल हम लोग यूज कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारा तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे राई या मस्टर्ड सीड्स और वेट करेंगे जब तक ये क्रैकल हो। तो हमारा तेल गरम था और ये क्रैकल होना शुरू हो गया है। आप आवाज सुन सकते हो क्रैकल होने की। नेक्स्ट हम डालेंगे इसमें सूखी लाल मिर्च और इसको चलाएंगे। ध्यान रखना है दोस्तों कि ये जल ना जाए। करी पत्ता डाल दिया इसमें हमने और हरी मिर्च। अब हम इसमें डालेंगे प्याज जो हमने काट के रखी थी। थोड़ी देर तक हमें प्याज को फ्राई करना होगा। देखिए, प्याज ऐसे फ्राई होने तक हमें उसको चलाना पड़ेगा और फ्राई करना होगा। हमें ये ध्यान रखना होगा कि इससे ज्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो सांबार में ये प्याज पील नहीं होगा और खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो इसके बाद, इतना होने के बाद हम इस पे टमाटर डालेंगे जो हमने पहले से काट के रखा था और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे। अभी हम टमाटर भी फ्राई कर रहे हैं उसके साथ। इसी मोमेंट पे अगर आपके पास कोई और सब्जी हो तो आप डाल सकते हो। अभी हम लोग सिर्फ प्याज और टमाटर से ही सांबार बना रहे हैं सिंपल तरीके से। और कोई भी सब्जी आप चाहो तो आप इसी शेप में काट के डाल सकते हो इसी साइज में और ये पक जाएगी। अब हमारा टमाटर हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च और अब सबसे मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा सांबार पाउडर, 2 चम्मच सांबार पाउडर टेस्ट के लिए। ये सांबार पाउडर हमने यहाँ पे यूज किया है जो ग्रेट ईस्टर्न कंपनी का है। आप कोई भी सांबार पाउडर यूज कर सकते हो जो आपको इजीली मार्केट में मिल जाए, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसको चला लेना है अच्छे से। अब मसाले थोड़ा फ्राई हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे इमली का पानी, क्योंकि टमाटर ऑलरेडी डाला है हमने जिससे खट्टास आएगी। तो इमली का पानी थोड़ा सा ही डालना है, 1 चम्मच। अब हम इसमें दाल डाल देंगे
हमने इसमें दाल डाल दिया है और हम इसको अभी थोड़ा सा पका रहे हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, आपको जितना सही लगे। यहाँ पे हम डाल रहे हैं आधी चम्मच, क्योंकि हमने दाल उबालने के वक्त भी नमक डाला था उसमें। ये देखिए दोस्तों, हमारा सांभर तैयार है। इसमें हम थोड़ा सा इसको उबाल लाएंगे, जिसके लिए हम इसको लेट ढक के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट तक हमने इसको ढक लिया था। अब आप देख सकते हो ये उबल रहा है और हमारा स्वादिष्ट सांभर